Hello guys, welcome to IFS. So today we are going to see your Karnataka SET 2020 paper discussion and analysis. हमने इस पेपर का इन डिटेल एनालिसिस किया है जिसमें कितने चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आ गए हैं, उनका क्या डेप्थ था, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और पेपर किस तरह का था, उसमें क्वेश्चन का लेवल क्या था और किस तरह से क्वेश्चन है, किस तरह से अप्रोच करना था, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। उससे पहले दोस्तों रिमेम्बर दिस 2nd October डेट। इस डेट से आपका CSIR नेट केमिकल साइंस का बैच स्टार्ट होने वाला है, तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कीजिएगा या उनको याद दिलाएगा 2nd October से न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारी सेशन की ओर। तो यहाँ पर देखो इस साल का 2020 पेपर का ये पूरा एनालिसिस है जिसमें किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आए थे। तो आप देख सकते हो आपका पहला चैप्टर जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC, इसमें से 7 क्वेश्चन आ गए थे दोस्तों। कितने? 7 क्वेश्चंस आ गए थे। और ये क्वेश्चन किससे था, जैसे IUPAC नॉमेनक्लेचर, एकदम बेसिक सा टॉपिक, इस पर 3 क्वेश्चन आ गए थे दोस्तों। 3 क्वेश्चन थे IUPAC पर, उसके बाद 2 क्वेश्चन थे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, यानी आपने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के आप बेसिस पर आप बोल सकते हो, एक एरोमेटिसिटी के बेसिस पर। इस तरह से होके आप 7 क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक, आफ्टर दैट इन स्टीरियो केमिस्ट्री दे हैव आस्क्ड 1 क्वेश्चन, पर्टिकुलरली 1 क्वेश्चन, जैसे कायरलिटी के ऊपर पूछा था 1 क्वेश्चन पर्टिकुलरली स्टीरियो केमिस्ट्री पे। बाकी स्टीरियो केमिस्ट्री पे भी क्वेश्चन ज्यादा है, लेकिन उसमें मेन कंसेप्ट जो होगा वो शायद किसी रिएक्शन का होगा या रिएजेंट का होगा, इसलिए वो वाला क्वेश्चन हमने वहां पर इंक्लूड किया हो गया है। स्पेसिफिकली स्टीरियो केमिस्ट्री के बेस पर तो 1 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, फिर उसके बाद आता है रिएजेंट। रिएजेंट में से इस बार 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इसके बेसिस पर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद का जो टॉपिक है रिएक्शन मैकेनिज्म, इसमें जनरली आप क्या पढ़ते हो, एडिशन, इलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन, इस पर आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए। तो ध्यान देना, ये चैप्टर को काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से 5 पूछे गए थे और इधर 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, उसी के साथ साथ अब नेम रिएक्शन और रीअरेंजमेंट चैप्टर पर्टिकुलरली नेमिंग के बेसिस पर पूछा गया था, जैसे अल्डोल रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, ऐसे बेसिक से है जिस पर 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, रिमल टिमर रिएक्शन, ये 3 क्वेश्चन है आपके पास। उसके बाद आ चुका है ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पार्ट, जैसे उसमें आप UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास, NMR, इस पर काफी बेसिक से सवाल थे, लेकिन देखिए 4 क्वेश्चन आ चुके हैं, 4 क्वेश्चन। तो देखिए ये दोनों चैप्टर के लिए इक्वल वेटेज है, रिएजेंट और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो आपके पास पेरिसाइक्लिक और फोटोसाइक्लिक के लिए कंबाइंडली 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इसके ऊपर। तो देख लेना नेम रिएक्शन और पेरिसाइक्लिक के लिए आपको इक्वल वेटेज दिया गया है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें नेचुरल प्रोडक्ट और हेट्रोसाइक्लिक, इसमें ईच 3 क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड, 3-3 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे नेचुरल प्रोडक्ट पर 3, जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स वगैरह देखते हैं। हेट्रोसाइक्लिक में आप पिरिडीन, पायरोल, फ्यूरेन ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इतने इसके जैसा ही इसको वेटेज है, 3-3 क्वेश्चन का क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें। तो इस तरह का ओवरऑल एनालिसिस था आपके के सेट 2020 के बारे में। तो अब इसमें से एक जो ये वाला पार्ट था हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, जीओसी के बारे में और स्टीरियोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन देखे हुए हैं। आज हम नेक्स्ट देखेंगे आपका रिएजेंट वाला पार्ट, इसमें से भी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो कौन कौन से थे और कैसे थे देख लेंगे। ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन जो कहता है टोलिन कैन बी कन्वर्टेड इंटू बेंजाल्डिहाइड बाय ऑक्सीडेशन विद। तो सिंपली आपको नीचे 4 ऑप्शन में से ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट दे गए हैं, तो आपको क्या करना है, अब ये नॉमेनक्लेचर भी पता होना चाहिए बेटा। टोल्विन दिया गया है, मतलब टोल्विन ऐसे होता है, इसका ऑक्सीडेशन करके इससे क्या हो गया है, इससे आपको ये मिल गया है, इसे कहते हैं बेंजाल्डिहाइड।
तो हो गया है ECS रिका ऑक्सीडेशन। तो पूछना चाहते कि इन चारों में से कौन सा वो रिएजेंट है जो ये कर पाएगा। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखो तो KMnO4 इन अल्कली, यानी क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 कह सकते हैं। बेसिक सॉल्यूशन में KMnO4 है, यहाँ पर एसिडिक कंडीशन में K2Cr2O7 क्रोमियम का ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, तो ये एसिडिक कंडीशन में है। बाद में O2 इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड, ये भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और एक क्रोमिल क्लोराइड, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट इसमें हिंट कहां पर मिलते हैं आपको, यहां पर बेंजा एल्डिहाइड है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो सभी है, लेकिन बेंजा एल्डिहाइड तो कौन रोक पाएगा। ऑक्सीडेशन अगर KMnO की बात करें और O2 इन वेनेडियम ऑक्साइड की बात करें, तो डायरेक्टली कहां तक जाते हैं, बेंजोइक एसिड तक जाते हैं। अगर कोई भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉन्सेंट्रेटेड यूज किया जाए, ज्यादा अमाउंट में यूज किया जाए, तो कहां जाएगा, एसिड तक। तो ये आपके सारे एसिड देंगे, सिर्फ आपका थर्ड है जो क्रोमिल क्लोराइड कहते हैं, वही आपको एल्डिहाइड देगा, और इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। क्या नाम है बेटा, इटार्ड रिएक्शन है। सो योर आंसर शुड बी थर्ड वन, करेक्ट आंसर इज थर्ड वन। अब देखते हैं कि ये कैसे हुआ होगा, इन डिटेल इसकी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। तो आपके पास क्या है, ये टोलुइन है, और टोलुइन कैसे होता है बेटा, ये देखो, इस पर कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। नाउ इट्स रिएक्ट्स विद क्रोमिल क्लोराइड, Cr डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, हियर इज वन Cl, हियर इज वन Cl। नाउ लोन पेयर ऑफ दिस ऑक्सीजन विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या करेंगे, इस वाले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। अब इस वाले प्रोटॉन से क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्डिंग, ये वाले इधर जाएंगे, और फिर ये वाला जो पाई बॉन्ड है, यहां से इस क्रोमिन पर अटैक हो जाएगा। अब इस पर ऑक्सीजन ने अगर हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, तो इसके ऊपर तीन बॉन्ड बन जाएंगे, है ना, अब मैं दिखाऊंगा नहीं, तीन बॉन्ड तो बन जाएंगे। तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो वो पॉजिटिव चार्ज डिसअपीयर करने के लिए, स्टेबिलाइज करने के लिए, ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है। तो आप देखते हैं कि ओवरऑल में ये रिएक्शन कैसे हो गई है, कुछ इस तरह से। यहां पर क्या गया, डबल बॉन्ड, देखो ये वाले डबल बॉन्ड, जिस पर क्या है, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, और अगर यहां बात किया जाए तो क्रोमियम Cr डबल बॉन्ड, इधर मैं लिखता हूँ Cl, इधर मैं लिखता हूँ Cl, यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आ गया, OH, जो एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, इस तरह से हो गया है। अब इस वाले रिएक्शन को, ये कैसे होती है, इक्विलिब्रियम में होती है बेटा, इक्विलिब्रियम में होती है, और इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये पेरिसाइक्लिक टाइप नहीं लगेगी क्या आपको, क्योंकि यहाँ से 1, 2, 3, और ये वाला क्या होगा, इन रिएक्शन टाइप, ये वाला अलिलिक जैसे होता है, अलिलिक में अलिलिक प्रोटॉन शिफ्ट होता है, तो ये है आपका इन और ये इनोफाइल, तो ये इन टाइप रिएक्शन होती है। ठीक है, इन रिएक्शन आप कह सकते हो। तो उसमें क्या होता है, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन किया जाएगा और आपको ये वाला मिल जाएगा। अब इसके बाद ये फिर से 2-3 सिग्माट्रॉपिक रिअरेंजमेंट की तरह हो जाएगा। ये यहां से देखो 1, 2, 1, 2, 3, ये 1, 2, 3 ऐसा हो गया। ये जो ऑक्सीजन है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इधर आ जाएंगे, और ये बॉन्ड ब्रेक होके इधर जाएगा और ये वाला इधर। तो आपको इसमें से, इस स्टेप में से क्या मिल जाएगा, जरा देखो, इस स्टेप में से आपको ये मिल जाएगा, जिसमें डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड इस वाले पर है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और कौन है, ऑक्सीजन, क्रोमियम यहाँ, OH, इधर Cl और इधर Cl। ठीक, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, अगर आप देखोगे तो ये वाला जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये वाला क्या होगा, इधर आएगा और इसमें से एक Cl को क्या करेगा, पुश करेगा। तो बाहर निकला हुआ जो Cl माइनस है, वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और इस प्रोटॉन के लोन पेयर यहां जाएंगे, और फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो आपको इधर से मिल जाता क्या है, देखो जरा, आपको मिल जाता है कुछ इस तरह से, यहाँ पर हो जाएगा ये H है आपका, इधर बन गया C डबल बॉन्ड, हो गया ना आपका मिथिल से एल्डिहाइड। ठीक,
अब दिस इज द मैकेनिज्म पाथवे, डिफरेंट वे वी कैन शो मैकेनिज्म पाथवे, कई सारे डिफरेंट तरीके से हम मैकेनिज्म शो कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ कहीं पर ऐसी भी स्टेप शो की जाएगी कि यहाँ Cl- ना अटैक होके दूसरा क्रोमिल क्लोराइड, जैसे Cr डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ Cl Cl, ये भी यहाँ का प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है और ये वाला इधर जाके इस वाले को निकाल सकता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हो गया। तो आपको यहाँ पर ये भी इंटरमीडिएट मिल सकता है, यहाँ पर C, इधर H और इधर क्या हो जाएंगे, ऐसे दो मिल जाएंगे O, Cr, OH एंड Cl ट्वाइस। तो इस तरह का आपको इंटरमीडिएट मिल सकता है इसमें, ठीक है। तो फाइनल चीज देखा जाए तो फाइनली होता क्या है, इस टोलुइन से, टोलुइन से आपको मिल जाता है बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, और इसको कहते हैं इटार्ड रिएक्शन, याद रखिएगा नेम, इसे कहते हैं इटार्ड रिएक्शन। क्लियर है क्या बेटा? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, योर आंसर शुड बी सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी, एक जो आया था ऑक्सीडेशन पर, दूसरा कहता है आइडेंटिफाई द रिएजन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। अब यहाँ पर जो रिएजन दे गए है और जिस रिएक्शन भी दी गई है, इससे पता क्या चल जाता है, वी कैन सी दैट दिस बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक एंड इट विल फॉर्म अल्कोहल एंड टोलुइन। तो पहले जो ये बेंजिल अल्कोहल था तब तो वो ब्रेक हो गया, या फिर इथर कह सकते हैं, इथर ब्रेक होके अल्कोहल और टोलिन बन गया है, या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि डी प्रोटेक्शन ऑफ अल्कोहल हो गया है। ये जो था प्रोटेक्टेड फॉर्म था, अब यहाँ पर डी प्रोटेक्शन हो गया है। और ये करने के लिए इसमें से कौन सा रिएजेंट यूज होगा ये पूछा गया है। तो एक बात तो तय है कि इसके लिए आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होना जरूरी है, और हमको ये चीज बेसिक से पता है कि H2PDC इज फेवरेबल फॉर दिस काइंड ऑफ डी प्रोटेक्शन। तो यहां से ये दोनों तो आंसर कट गए बेटा, ये दोनों तो आंसर कट गए। अब बात रहती है DDQ और LAH, ये ऑक्सीडाइजिंग है ये रिड्यूसिंग है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इज मोर फेवरेबल। आपका DDQ भी कर सकता है, लेकिन DDQ के लिए ये जो आपका ये हो जाता है SET मैकेनिज्म से, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म से हो जाएगा, लेकिन वो ये रेडिकल स्टेबिलाइज करने के लिए ये जो आपका pH है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होना बहुत जरूरी है, मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए, जो कि यहाँ पर सिर्फ pH शो किया गया है तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ सकता है, थर्ड शुड बी योर करेक्ट आंसर। क्या होगा बेटा, थर्ड शुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अभी देखते हैं कि इसमें किस तरह से हुआ होगा, देख लेते हैं। आपका R मतलब कोई भी, ये वाला R, यहाँ O, यहाँ ये CH2 और pH मतलब आपकी बेंजीन है। तो ये जो बेंजीलिक बॉन्ड होता है ये रिएक्टिव होता है, जनरली जल्दी से ब्रेक होने को चाहेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होगा, AlH, H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, इधर निगेटिव और यहाँ Li पॉजिटिव। अब होगा क्या, ये जो एल्यूमिनियम के ऊपर हाइड्रोजन है, हमको पता है एल्यूमिनियम बोरॉन के ग्रुप में आता है, बोरॉन के पीरियड में, तो उसके नीचे ही होगा, बोरॉन के ग्रुप में उसके नीचे ही होगा, तो उसमें क्या तीन वैलेंसी होती है एल्यूमिनियम की, लेकिन यहाँ चार बॉन्ड बन गए, तो एक्स्ट्रा बॉन्ड हाइड्रोजन का है, मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से हाइड्राइड जाएगा। और वो हाइड्राइड ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ध्यान देना है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये वाला इधर हाइड्राइड अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड को इधर क्लीव करेगा, तो सिंपली आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा ROH plus toluene। अब यहां पर लिथियम जुड़ जाएगा, फिर वर्कअप करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, ROH। याद रखिएगा पहले हम मॉइस्ट कंडीशन या एक्वियस कंडीशन नहीं रख सकते, क्योंकि रिएजेंट उतना रिएजेंट स्टेबल नहीं, लिथियम कैन कैच फायर इन इन एक्वियस कंडीशन और मॉइस्ट कंडीशन, तो इसके लिए ड्राई कंडीशन ईथर में ये रिएक्शन की जाएगी। और इसके लिए आपको फिर बाद में जब लिथियम का वर्कअप करोगे फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पर ROH, ठीक है। तो इस तरह से ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और सेम चीज हम कहते हैं कि H2PD से भी होता है, पीडी मतलब है पैलेडियम, है पैलेडियम का ऐसा सरफेस होता है
और वहां पर हाइड्रोजन जो होता है कुछ इस तरह से बाइंड होता है, और ये बाइंडिंग की वजह से ये वाले जो इनके बीच का हाइड्रोजन हाइड्रोजन बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, कुछ इस तरह से ऐसे वीक हो जाएगा, हम इसको शो कर सकते हैं ऐसे। अब क्या होगा, ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है ये भी कुछ इस तरह से बॉन्डिंग करेगा, यहां से ये CH2 क्यों ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसने अगर इसके साथ बॉन्डिंग की तो ये वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा, फिर इस CH2 को कौन करेगा, ये वाला हाइड्रोजन करेगा, तो इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये वाला रिडक्शन हो सकता है। इट्स जस्ट प्रेडिक्टेबल, यहां पर मैं कर सकता हूं पैलाडियम सरफेस ऐसा हुआ होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर ROH+ यहां पर मिल जाएगा आपका टोल्विन। क्लियर है क्या, बात समझ में आ रहा है क्या? सो दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, सो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए था थर्ड वन, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें क्या बोला गया, ए सुटेबल रिएजेंट कॉम्बिनेशन फॉर कैरिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन इज, तो इस कन्वर्जन में आपको इनमें से कौन सा रिएजेंट यूज होगा पूछा गया है। तो सिंपल सा देखो, स्टार्टिंग में आपको क्या है, डायोल है, मैं कह सकता हूं यहां पर डायोल का क्या हो गया बेटा, डायोल प्रोटेक्शन हुआ है, डायोल का प्रोटेक्शन हो चुका है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन यूज होगी, तो जरा देखो, ट्राइमिथिल ऑर्थो एसिटेट एंड पैराटोलिन सल्फोनिक एसिटेट, जो ये कंडीशन है इसमें किस तरह का होगा, यहाँ ज्यादातर ये पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड भी है, तो ये कंडीशन एसिडिक कंडीशन तो चाहेगी, बेसिक कंडीशन नहीं, तो बेसिक कंडीशन की वजह से ये तो कट गया सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला, ये भी कट गया सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला। अब आपके पास ये दो कंडीशन में से है, तो ट्राइमिथिल ऑर्थो एसिटेट या 2-methoxypropene इनमें से कौन सी कंडीशन फेवर हो सकती है, तो अगर आपने देखा ट्राइमिथिल ऑर्थो एसिटेट जनरली ये किसके लिए यूज करते हैं, या आप कार्बोनिल कार्बन या फिर कार्बोनिल कंपाउंड के जैसे कीटोन के लिए ये क्या होगा, प्रोटेक्शन करने के लिए यूज होता है, तो इसके लिए बेटर रिएजेंट कौन होगा, थर्ड शुड बी योर बेटर रिएजेंट फॉर दिस पर्टिकुलर कन्वर्जन, तो आपका आंसर होना चाहिए थर्ड। यहां पर कैसे होगा क्या होगा देखते हैं, चलो हम इन डिटेल अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। यहां अगर डायल देखा आपका, क्यों वो रिएजेंट मैंने बोला, इसका आंसर यही पर भी मिल जाएगा, यहां पर क्या है आपका, एक ही साइड में दोनों OH है, तो मैं कह सकता हूं कि ये सीस डायोल है, और सीस डायोल का प्रोटेक्शन करना है, तो यहां पर क्या है, पहले मिथॉक्सीप्रोपीन ऐसा है ना, 2-methoxypropene ये वाला होगा रिएजेंट, और इन प्रेजेंस ऑफ TSOH टॉसिल हाइड्राइड है ना, पैराटोलिल सल्फोनिल हाइड्राइड हाइड्रोजन, पैराटोलिल सल्फोनिल हाइड्रोजन इस तरह का एसिड होता है, तो टॉक्सिक एसिड भी कह सकते हैं इसको, तो क्या होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तो पहले ऐसे जाएंगे और यहां से ये क्या करेगा, H+ एक्सट्रैक्ट करेगा, तो अभी तक तो आपका ये जो सबस्टेट है ये कुछ रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुआ, ये ऐसे ही रहेगा, पहले इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो गई, तो आपको क्या मिलेगा, ओ यहाँ Me इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ एक मिथिल यहाँ मिथिल, जिस मिथिल ने क्या किया हुआ है, एसिड का प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, ठीक है क्या। अब क्या होगा, ये जो OH है O वाला इस पर अटैक करेगा, और इसमें से अब एक पाई बॉन्ड जो है अपने साथ दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन को स्टेबिलाइज करेगा, तो अब देखो इससे क्या मिल जाएगा आपको, इससे मिल जाएगा ये वाला डायोल, यहाँ पर है O, इधर कौन आ गया आपका OME, इधर आपका मिथिल है इधर आपका मिथिल है, ठीक है, जिसके ऊपर ये हाइड्रोजन है। अब क्या होगा, यहां पर भी तो ये OH है, तो इधर का जो H है मान लेते कि ये बाहर भी जा सकता है, क्योंकि एसिड तो है ही है, ये ऐसा रिमूव भी हो सकता है, हम यहां पर शो कर रहे कि इसने प्रोटॉन लिया और इसका पॉजिटिव चार्ज स्टेबिलाइज किया, अगर वैसा नहीं भी किया सिंपली प्रोटॉन चला भी गया तो जाने दो ना, क्योंकि एसिडिक मीडियम में तो है रिएक्शन, तो एसिडिक मीडियम में है तो यहां पर क्या होगा, OME इधर H इधर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ मिथिल यहाँ पर हाइड्रोजन वाला मिथिल और ये वाला है आपका OH। अब होगा क्या, ये वाले ऑक्सीजन जो है क्या करेंगे, यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये जो बॉन्ड है अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेके शिफ्ट हो जाएगा OME की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन पर क्या आ गया है,
पॉजिटिव चार्ज। तो होगा कुछ ऐसे बेटा, यहाँ पर रहेगा आपका ऑक्सीजन, जिसके ऊपर क्या है, ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, यहाँ मिथिल, यहाँ ऐसा हाइड्रोजन आया वाला मिथिल, और इधर है आपका, वो भी कहाँ से है, ये भी आपका सेम साइड से, बिलो से है, ठीक। और बाहर क्या निकला, यहाँ पर बाहर निकला MeOH। अब क्या होगा, ये वाला जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने तीन बॉन्ड बने हैं, तो ये वाले लोन पेयर इधर अटैक करेंगे और ये वाला पाई बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो जरा देखो आपको क्या मिल जाएगा, इधर आपको मिल जाएगा ये वाला कंपाउंड, यहाँ पर O, इधर एक बॉन्ड, यहाँ पर O, इधर एक बॉन्ड, और इधर एक मिथिल है, इधर एक मिथिल, जिसके ऊपर हाइड्रोजन। तो देखो अब एग्जाम में मिला कि नहीं मिला, तो इसके लिए क्या होना चाहिए था करेक्ट आंसर, थर्ड शुड बी करेक्ट आंसर, 2-methoxypropene एंड देन पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड। अंडरस्टैंड हुआ क्या, इन डिटेल मैकेनिज्म की, ये किस तरह से होना चाहिए, क्या क्या स्टेप होते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कहता है, सेलेक्टिव रिएजेंट, एक देखो ऑक्सीडाइजिंग, प्रोटेक्शन, डी प्रोटेक्शन, रिएजेंट पर पूछा गया क्वेश्चन, ये देखो सेलेक्टिव रिएजेंट फॉर द सीस हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन टू सीस साइक्लोहेक्सेन 1,2-diol R। तो पूछा गया कि आपका जो साइक्लोहेक्सीन है वो सीस है, और इससे आपको क्या करना है, साइक्लोहेक्सेन 1,2-diol, और 1,2-diol कैसे, सीस, मान लेते हैं कि ये बॉटम भी रह सकता है या फिर टॉप भी रह सकता है, कोई भी हो लेकिन सीस होना चाहिए। तो इसके लिए आपको रिएजेंट पूछा गया है इन दोनों में से, इन चारों में देखो, पर बेंजोइक एसिड फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, ये तो मैं देखते ही कैंसिल आउट करूंगा बच्चों, क्यों, क्योंकि आपको पता है अगर डबल बॉन्ड पर बेंजोइक एसिड अगर हम यूज करेंगे तो मिल जाता है क्या, इपॉक्साइड, चलो मैं दिखाता हूँ, ये डबल बॉन्ड प्लस पर बेंजोइक एसिड कैसे होगा, ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर बेंजीन रिंग, तो इससे जो प्रोडक्ट मिलता है आपको वो होता है इपॉक्साइड, और इपॉक्साइड की ओपनिंग अगर आप करोगे किसी, बाद में क्या कहें, एसिड हाइड्रोलिसिस है ना, इसकी ओपनिंग करोगे तो आपको जो मिलेगा वो ट्रांस डायोल मिलेगा। तो इस वर्ड से मेरा आपका फर्स्ट आंसर तो चला गया। सेम चीज होती है कहाँ, ब्रोमिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, क्योंकि ब्रोमोनियम आयन ओपन होगा, 3-membered रिंग, कभी भी ट्रांस डायक्सियल ओपनिंग होती है तो वो बैक साइड से अटैक करेगा, तो ये वाला भी कट गया कि वहां पर क्या बनाएगा, ट्रांस डायोल बनाएगा, ये दोनों तो कट गए। अब बात आती है सी और डी में, यहाँ अल्कलाइन KMnO4, यहाँ 1% KMnO4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो कौन होगा बेटा, अगर हमने दोनों कर सकता है ठीक है, लेकिन अगर KMnO4 यूज किया तो ये क्या कर देगा, बाद में डायोल का क्लीवेज भी कर सकता है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 हमने यूज किया तो डायोल का क्लीवेज कर सकता है, इसलिए कंट्रोल मैनर में ये करना पड़ेगा। तो आपका 1% KMnO4 यूज करके एंड देन हाइड्रोलिसिस अगर करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, सीस डायोल फॉर्म हो जाएगा। तो योर करेक्ट आंसर शुड बी लास्ट वन, डी शुड बी योर करेक्ट आंसर। कैसे होता है, क्यों होता है, सारी चीजें इन डिटेल देख लेंगे बेटा। देखो पहली चीज तो आपके पास क्या है, साइक्लोहेक्सीन, इसके बारे में देख लेते हैं, साइक्लोहेक्सीन। अब इसकी जो रिएक्शन है वो यहां पर किसी के साथ, MnO4, ठीक है, ऐसा होता है। फिर क्या होगा, अब यहां से ये वाला जो बॉन्ड कह सकते हो, या ऑक्सीजन से स्टार्ट कर सकते हो लोन पेयर के साथ, होना तो एक ही है, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर, तो आपको क्या मिलेगा, मैग्नीज ईस्टर मिल जाएगा, इसको क्या कहते हैं, मैग्नीज ईस्टर, जैसे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड अगर आप यूज करते तो ऑस्मेट ईस्टर हो जाता, वैसे यहाँ मैग्नेट ईस्टर बन जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी द योर इंटरमीडिएट कह सकते हैं, ये फॉर्म हो जाएगा। अब क्या होगा, अब सिंपली एसिड हाइड्रोलिसिस है तो क्या हो जाएगा, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो हाइड्रोलिसिस के लिए जो OH2 में OH बचा था वो इधर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड क्लीव करेगा, और दूसरा वाला OH H2O में का इधर अटैक करेगा और इसको क्लीव करेगा। तो अगर दोनों को क्लीव करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
इधर OH, इधर OH, ठीक है क्या? तो बाद में आपका KMnO4 जैसे का वैसे जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एडिशन ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों के दोनों सेम फेस से ऐड कर रहा है, इसी वजह से आपका फॉर्म्ड प्रोडक्ट है वो सीस डायोल फॉर्मेशन होगा। बाकी के तीन क्यों नहीं हो सकते? हमने बोला अगर इपोक्साइड यहां से है और एसिड हाइड्रोलिसिस में H2O अटैक करेगा तो ऐसे अटैक करेगा, तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, यहाँ OH यहाँ OH, ये कैसा है? ट्रांस, इसीलिए कट गया। अगर ब्रोमोनियम आयन की बात करते तो ब्रोमोनियम आयन ऐसे बन जाता और इसका हमने एसिड हाइड्रोलिसिस किया तो ऐसे ओपन होता, तो यहाँ BR और यहाँ OH, फिर से इपोक्साइड बन के फिर से इधर ओपनिंग हो जाती तो भी आपको क्या मिल जाता, ये ट्रांस डायोल बन जाता है, ठीक। और अगर आपने सिंपली क्या किया, अल्कोहलिक KMnO4 यूज किया, अल्कलाइन KMnO4, तो वो क्या करेगा, डायोल तो बना देगा डायोल, ठीक है, MN यहाँ पर डबल बॉन्ड, O यहाँ पर O की, लेकिन बाद में क्या करेगा, यहां से ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ऐसे क्लीवेज करेगा, डायोल क्लीवेज करेगा, इसीलिए आपका थर्ड नहीं हो सकता। क्या होना चाहिए आपका, सिंपली ये वाला होना चाहिए 1% KMnO4 फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, समझ लो डिफरेंस क्या आएगा। अगर KMnO4 करोगे इससे थर्ड वाला तो वो कार्बन डायोल का क्लीवेज तक जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं यूज करना है इसीलिए। सो योर आंसर कैन बी लास्ट वन, ठीक है, आपका आंसर हो सकता है लास्ट वन। तो ऐसे ही आपको और वीडियो के लिए, आपको IFS के बारे में जानकारी के लिए आप हमारे IFS ऐप पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ आप हमें Facebook, YouTube, Instagram, Telegram पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।